हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रल के, अभी उसके जितने वीडियो डाले उसके आगे वाले डाल रहे हैं, इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है ये पहले हम अभी हम बताएंगे, इसके बाद उसकी तो सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें। जैसे इसमें अगर लिमिट लिमिट है ए टू बी, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, निम्न सीमा और सीमा। अगर लिमिट को उल्टा कर देंगे अपन तो ये माइनस आ जाता है। देखो ए से बी है, ये बी से ए कर दी तो माइनस आ गया। अगर लिमिट ए से बी है, इसका मतलब है जैसे टू से सिक्स है लिमिट, तो टू और सिक्स के बीच में फोर आ जाएगा, तो टू से फोर और फोर से सिक्स, मतलब ये इसका मतलब ये है कि अगर ए और बीच में के बी के बीच में कोई नंबर है उसको हम एडजस्ट कर, दो टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा है, अगर लिमिट सेम है तो डिफरेंस इसका इंटीग्रेशन जीरो होगा, कुछ नहीं करना हमें। फोर्थ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जीरो से लिमिट, लोअर लिमिट जीरो है, अपर ए है एफ एक्स डी एक्स, तो हम एक्स के प्लेस पे फंक्शन में ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर माइनस ए से ए है तो उसमें ये लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी या टू है डबल हो जाएगा जीरो से ए, कब? जब इवन फंक्शन होगा। इवन क्या होता है? वो अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे फिर भी वो पॉजिटिव हो जाए वैल्यू फंक्शन की, तो वो हम बताएंगे अभी आगे सब। माइनस ए से ए ये जीरो होगा, ठीक है, और दोनों ये कब होगा? जब ऑड फंक्शन होगा। इसके बाद सिक्स नंबर है, अगर लिमिट सेम है तो इसका वेरिएबल कुछ भी हो वैल्यू सेम होगी। सेवेंथ है, अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो एक्स के प्लेस पे ए प्लस बी माइनस एक्स, ये ध्यान रखना कब किस चीज में फायदा रहेगा। देखो फोर्थ तो और सिक्स्थ, तो ये हमें क्वेश्चन देख के पता लगेगा, अभी हम बताएंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे तब बताएंगे हम। अगर जीरो से टू ए है तो इसको हम टू बार आ जाएगा, अगर एक्स के प्लेस पर टू ए माइनस एक्स रखोगे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम ये टू ए का टू बार आ जाएगा, और जीरो से टू ए है ये जीरो हो जाएगा, अगर फंक्शन में टू ए माइनस एक्स रखने पे माइनस आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये निश्चित समाकल के, प्रगुण बोलते हैं हिंदी में, तो आप इसको देखिए, नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए बच्चों, तो हमने दो क्वेश्चन एक बार लिख लिए, तो इसमें होता क्या, क्या तरीका है इसका सॉल्व करने का डेफिनेट? सबसे पहले लिमिट को आप भूल जाइए, तो आप देखेंगे वन अपॉन वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रल होता है? वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और डेफिनेट इंटीग्रल में हमें कांस्टेंट टर्म में सी नहीं लिखना पड़ता, क्यों? ये लिमिट है इसके बीच में, वो इनफाइनाइट होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, हमने इंटीग्रेशन कर दिया, और लिमिट लिखने का तरीका ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ये ध्यान रखना डी एक्स है तो ये एक्स की वैल्यू है, पहले अपर लिमिट लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस आता है बीच में, तो साइन इनवर्स वन एक्स की वैल्यू वन आ गई, माइनस साइन इनवर्स जीरो। तो इनवर्स का मतलब है साइन में वन किस डिग्री की वैल्यू है, मतलब ये डिग्री लिखी हुई, एंगल लिखा हुआ है, तो साइन में वन 90 डिग्री की वैल्यू है और साइन में जीरो 0 डिग्री की वैल्यू है, तो इसका जो आंसर आया है वो आ गया पाई बाई टू। तो ये अपन ने क्या कर लिया, देखिए
इधर देखिए अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लिमिट टू से थ्री, ये थ्री डिवाइड में हो गया। इसको अंदर लिखे रहे हैं या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम बाहर ला रहे हैं वन अपॉन थ्री ये वाला और एक्स की पावर थ्री। अब लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ये है थ्री रखेंगे तो थ्री की पावर थ्री माइनस टू की पावर थ्री, एक्स के प्लेस पे पहले थ्री रखा हमने माइनस लोअर लिमिट रखी तो थ्री की पावर थ्री हो जाता है ट्वेंटी सेवन माइनस एट, तो यहाँ बचेगा नाइनटीन अपॉन थ्री, ये आंसर आ गया इसका। तो ये इसका तरीका था, आप देखिए पॉज द वीडियो नोट डाउन। देखिए बेटे अब की बार क्वेश्चन है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर होता तो अलग क्वेश्चन हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो अलग, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगेगा, रूट नहीं है, तो यहाँ वन का स्क्वायर अपनी मर्जी से मान लिया, ये होता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो देखिए तो इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं टू टू थ्री वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डी एक्स, तो जो हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू वन, ए की वैल्यू वन है, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये वन है और लिमिट आ जाएगी यहाँ पे टू से थ्री। तो पहले हम लिमिट के प्लेस पे थ्री रखेंगे फिर बाद में वन टू रखेंगे। देखिए तो ये वन अपॉन टू बाहर आ गया, तो पहले हम रखना है थ्री, तो लॉग थ्री माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन माइनस लॉग टू रखिए टू माइनस वन अपॉन टू प्लस वन वन अपॉन टू, तो ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री लॉग टू अपॉन थ्री माइनस लॉग वन अपॉन थ्री। अब लॉग का रूल होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसका उल्टा नियम होता है अगर सिंगल लॉग में लिखेंगे तो एम अपॉन एन, ये होता है बेस पे ई है सब जगह। तो यहाँ देखिए ये एम है ये एन है, तो क्या हो जाएगा उस रूल के हिसाब से लॉग एम अपॉन एन, तो थ्री ऊपर जाए कट जाएगा तो बचेगा वन अपॉन टू लॉग टू। आप इसको भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं और रूल ये भी है कि अगर वन बाई टू यहाँ से हटाओगे मल्टीप्लाई वाला तो टू की पावर में चला जाएगा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग रूट टू। तो कभी आंसर ये और ये कोई डिफरेंस नहीं, सेम आंसर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, और ये आप अपने आप कर लीजिए, सिंपल से हैं। देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, लिमिट जीरो से पाई बाई टू, लिमिट कुछ भी हो सकती है, ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, हम पहले बता चुके हैं सब कुछ, और कॉस स्क्वायर को लिखेंगे वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, जीरो से पाई बाई टू ये लिख दिया, तो फॉर्मूला है बेटा ये। तो अब इसके बाद देखिए ये वन बाई टू बाहर आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन अलग होगा और कॉस टू एक्स का अलग हो जाएगा, तो ये वन बाई टू बाहर आ गया, वन का इंटीग्रल एक्स कॉस टू एक्स का हो जाएगा साइन टू एक्स डिवाइड में टू जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले पाई बाई टू रखिए एक्स के प्लेस पे, वन बाई टू पाई बाई टू प्लस ये वन बाई टू साइन टू इंटू पाई बाई टू, पहले ये आ गया
अब हम रखेंगे जीरो, तो जीरो रखने पे क्या आएगा, माइनस जीरो प्लस वन बाई टू साइन टू, टू इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा, टू इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, पाई बचा वन बाई टू, ये पाई बाई टू प्लस वन बाई टू साइन पाई, साइन पाई हो जाएगा कॉस पाई बाई टू, साइन पाई की वैल्यू होती है जीरो, तो ये आंसर बचा पाई बाई फोर। तो ये इसका आंसर आ गया, देखिए जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर टू एक्स डी एक्स, तो इसका ये आंसर आ गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए यहाँ टू क्वेश्चंस लिख रखे हमने, तो यहाँ देखिए ये जीरो से वन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें न्यूमरेटर में इससे वन लेस एक कम पावर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है टू एक्स, वन का जीरो, इस पूरे का डिफरेंशियल होगा टू एक्स, तो एक्स तो अपने पास है टू नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई, तो इसे टी रखेंगे जो डीटी में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट याद रखिए आप, जब डिनोमिनेटर का ऊपर न्यूमरेटर में होल पूरा पूरा डिफरेंशियल रखा है तो ऊपर वाले को हटा दीजिए, लॉग आएगा डिनोमिनेटर का लॉग, तो जो हो जाएगा वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब लिमिट अपना अपनी अपना काम करेगा, तो ये हम कर सकते हैं डायरेक्ट, तो टी रखेंगे डी टी में चला जाएगा। तो पहले वन रखेंगे लॉग वन स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग जीसो जीरो स्क्वायर प्लस वन, वन बाई टू ये हो जाएगा लॉग थ्री, ये लॉग वन बचेगा, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो ये आंसर आ गया वन बाई टू लॉग थ्री। देखिए ये अपना आंसर आ गया। सेकंड देखिए माइनस वन से प्लस वन, तो यहाँ पे एक रूल है कि ये फंक्शन है डी एक्स को छोड़ के पूरा फंक्शन है एफ एक्स। अब हम चेक कर रहे हैं इसमें एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर फाइव एक्स लिख दीजिए या इस टाइप से लिख दीजिए, इससे कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, कॉस की पावर ये भी हो जाएगा फोर। तो यहाँ से रूल होता है कि अगर ये इवन ऑड वाली बात होती है तो इवन ऑड क्या होता है, देखिए अगर हम एक्स के प्लेस में माइनस एक्स रखेंगे आंसर प्लस हो गया, ये तो चेंज होने नहीं चाहिए, प्लस आ जाए तो इसका ये माइनस वन हटके या टू आ जाएगा और फिर इंटीग्रल करना पड़ेगा, अगर ये माइनस आ जाएगा तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। देखिए तो रखेंगे एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखिए, तो साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, माइनस एक्स का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है कॉस पॉजिटिव, तो जी कॉस का तो प्लस हो जाएगा लेकिन साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स और पावर फाइव, और ये तो प्लस का ही हो गया तो कॉस एक्स की पावर फोर। वैसे भी अगर माइनस होता भी तो इवन पावर है, अगर यहाँ भी इवन पावर होती तो ये प्लस हो जाता बाद में, तो ये इवन फंक्शन माना जाता। तो देखो माइनस बारह आ गया, तो साइन पावर फाइव एक्स कॉस की पावर फोर एक्स। तो यहाँ देखिए माइनस एक्स रखने पे एफ माइनस एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एफ एक्स, तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा जीरो। देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड, ये ऑड फंक्शन है।
माइनस वन से प्लस वन साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। ये माइनस हो गया, अगर प्लस आता तो माइनस वन हट जाता, इसके बाद टू आ जाता, फिर हम आगे करना पड़ता हमें। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, देखिए ये रूल जो अब लगने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ रूल था, अपन स्टार्टिंग में लिखा था जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। शर्त ये है कि लोअर लिमिट जीरो होना चाहिए, किसी में भी लगा सकते हैं। कब लगाएंगे, जब हमें फायदा मिलेगा, नुकसान के लिए तो कोई लगाता नहीं कुछ। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ हम ए के प्लेस पे पाई बाई टू है तो सब जगह रख देंगे, तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये रूल है, फोर्थ रूल था। तो जीरो टू पाई बाई टू, जहां एक्स लिखा हुआ वहां पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। देखिए तो साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए या कॉस थीटा, कॉस साइन बदल जाता है साइन कॉस में। तो देखिए जीरो टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा साइन का कॉस, तो रूट कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। साइन 90 माइनस ए या थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 मीन्स पाई बाई टू साइन होता है, तो साइन कॉस बदल जाएगा, कॉस साइन बदल जाएगा। अब ये इक्वेशन सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर लेंगे हम, आई प्लस आई टू आई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आई प्लस आई टू आई हो गए, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये लिमिट कॉमन जीरो से पाई बाई टू है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, प्लस करेंगे तो सोचिए आप, तो देखो प्लस में आगे पीछे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डायरेक्ट एक बार लिख सकते हैं, एलसीएम सेम आएगा। तो देखिए यहां इससे कैंसिल हो गया, तो बचा रूट साइन एक्स प्लस, इसमें सेकंड से डिवाइड कर कैंसिल हो गया तो रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब सेम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो वन आ गया, वन का इंटीग्रल होता है एक्स जीरो से पाई बाई टू, ये टू डिवाइड में जाएगा, अब लिमिट रखेंगे तो वन बाई टू पाई बाई टू माइनस जीरो, तो ये आंसर आ गया पाई बाई फोर। सेम क्वेश्चन इसी टाइप से ये होंगे, इनका भी आंसर पाई बाई फोर ही आएगा, इसमें टेन कॉट कॉस साइन साइन कॉस कॉस एक्स एक, तो ये जो भी क्वेश्चन है सेम से रूल से होंगे, फोर्थ रूल लगेगा इनमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, देखिए बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। तो जीरो से ए, ए मीन्स पाई बाई टू, वही रूल लगेगा फोर्थ रूल, तो यहाँ हो जाएगा, जो फर्स्ट इक्वेशन ले ली हमने तो यहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा, तो आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब आप देखिए तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में
जगह कम पड़ेगी इसलिए हम आगे लिख रहे हैं, जीरो से पाई बाई टू, फोर प्लस साइन है तो कॉस हो जाएगा, थ्री कॉस एक्स लॉग है यहाँ पे, फोर प्लस थ्री साइन एक्स, ये सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड लास्ट में एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए आई प्लस आई टू आई, अब यहां दोनों में लिमिट सेम है तो एक बार लिख देंगे, जीरो से पाई बाई टू लॉग, क्या आएगा, फोर प्लस थ्री, फोर प्लस थ्री साइन एक्स, फोर प्लस थ्री कॉस एक्स, प्लस प्लस कर रहे हैं तो ये फर्स्ट का और सेकंड का आ जाएगा, लॉग फोर प्लस थ्री कॉस एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री साइन एक्स। देखिए लॉग है तो इसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अब ये हो सकता है लॉग एम प्लस लॉग एन, अगर लॉग एम प्लस लॉग एन है तो जो हो जाएगा लॉग एम इंटू एन, ये फॉर्मूला है लॉग एम मल्टीप्लाई एन लॉग एम प्लस लॉग एन, तो अगर प्लस में है डबल लॉग में, सिंगल में आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो लगाइए ये हमें देखना पड़ता है कब क्या फायदा रहेगा इससे, जीरो से पाई बाई टू लॉग फोर प्लस थ्री साइन एक्स, फोर प्लस थ्री कॉस एक्स मल्टीप्लाई एम हो गया, ये एन जे है, फोर प्लस थ्री कॉस एक्स, फोर प्लस थ्री साइन एक्स। देखो ये मल्टी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, बन आया तो होल वैल्यू बन आई, ये लॉग बन, अगर बन की जगह कुछ और होता तो लॉग से बाहर आ जाता, बन का इंटीग्रल एक्स हो जाता, लेकिन लॉग बन की वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो होती है, अब जीरो का कोई इंटीग्रल नहीं होता तो इसका आंसर आ गया जीरो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंप्लीट हुआ, पॉज द वीडियो नोट डाउन, देखिए अब की बार क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कुछ, साइन स्क्वायर साइन क्यूब, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब, टेन स्क्वायर टेन क्यूब, तो दो इनके होते ही नहीं है, इनको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो क्यूब हटा के से एंगल के प्लेस पे लाना है तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला जो होता है थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन फोर, तो रखिए तो डिवाइड वाला फोर हम बाहर ले आ रहे हैं, वन अपॉन फोर आ गया, जीरो से पाई बाई टू जा जाएगा थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स डी एक्स, अब दोनों टर्म का सेपरेट कर देंगे इंटीग्रल कर देते हैं डायरेक्ट, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, इसमें हो जाएगा माइनस कॉस थ्री एक्स और थ्री डिवाइड में आ जाएगा। लिमिट जीरो से पाई बाई टू, देखिए वन अपॉन फोर या मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री अपॉन फोर हो जाएगा, वन अपॉन फोर ही रहने दीजिए, वन अपॉन फोर माइनस थ्री कॉस पाई बाई टू पहले रख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन थ्री
पाई बाई टू रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू हो गया। इसके बाद जीरो रखेंगे तो माइनस आएगा, माइनस जीरो थ्री कॉस जीरो माइनस प्लस वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री, यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, कॉस जीरो ये बन गया। अब रखिए कॉस पाई बाई टू माने जीरो हो गया, पहला जीरो, दूसरा थ्री पाई बाई टू है, थ्री पाई बाई टू कैसे निकालेंगे हम, पाई प्लस पाई बाई टू, पाई प्लस में थर्ड में पहुंच जाएंगे, थर्ड में माइनस हो जाएगा, जैसे आ जाएगा कॉस पाई प्लस पाई बाई टू, तो माइनस के कॉस पाई बाई टू, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म भी जीरो हो गया। प्लस माइनस जीरो तो माइनस ही होता है, माइनस का मतलब ही नहीं कोई। अब इधर आओ, ये माइनस थ्री इंटू वन, वन बाई थ्री इंटू वन, ये जीरो जीरो हटा दीजिए, ये सॉल्व कर लेंगे। प्लस के थ्री और माइनस के वन अपॉन थ्री, एलसीएम लेंगे थ्री थ्री नाइन माइनस वन एट अपॉन थ्री, तो वन अपॉन फोर इंटू एट अपॉन थ्री, तो फाइनल आंसर आया है टू बाई थ्री। पॉज द वीडियो, नोट डाउन।